हाय स्टूडेंट, आप सबको आपके मासिक क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज आप लोग को एक पहेली के साथ स्टार्ट करते हैं और वो पहेली आपको अभी शुरुआत में करते हैं और आपका आपको इस पहेली का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, आज का पहेली है, आज एक पहेली के साथ स्टार्ट करते हैं, तो पहेली आज है आपके लिए, आप लोग के लिए कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। दादा है पर दादी नहीं, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नौ है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, ठीक है। ये एक पहेली है, आपको इस पहेली का जवाब देना है। आप फिर सुन लीजिए, क्या कहते हैं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नौ है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। तो ये बताना है आपको, ये कौन सा महान व्यक्ति का नाम है। ये पहेली में कौन सा महान व्यक्ति का नाम छिपा हुआ है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर सुन लीजिए एक बार, क्या कहते हैं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नौ है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा महान व्यक्ति का नाम है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से क्या है, आज हम लोग का एक्सरसाइज 13.4 का है ना, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या कहता है। ए कंटेनर ओपेंड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, मींस का हाइट दिया हुआ है एच, with radius of its lower and upper ends is 8 cm and 20 cm, means उसका R1 and R2 दे दिया है यहाँ पे, है ना। Respectively, find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of Rs 20 per liter, ठीक है। कहने मतलब ये है कि container में कितना दूध आ सकता है, जितना दूध आएगा उसका जो है 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो दूध का कीमत नहीं, उसका कॉस्ट कितना है वो निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट्स कॉस्ट आर एस 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी साथ साथ में ये भी निकालने बोल रहा है हम लोग का कि उस कंटेनर में कितना मेटल का यूज किया गया उसका निकालने बोल रहा है, क्या कॉस्ट कितना है, 8 पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग हो जाएगा, है ना, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बनता कैसे है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, कल आपको एक बता रहे थे कि मंदिर संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए लोग पूछते हैं क्योंकि, आगे बताएंगे इसको, पूरा करेंगे ना, कल पूरा नहीं किए थे। चलिए तो क्या है इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ गेम क्या है, और पहले फिगर बना लीजिए आप इसका। फिगर में क्या कहता है, एक कंटेनर है ना, मीन्स एक फ्रस्टम टाइप का कंटेनर है, फ्रस्टम टाइप का ये आपका कंटेनर दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना। ये कंटेनर मान लेते हैं दिया होगा, तो कहता है इसका ये H1H दिया हुआ है आपको, ये H दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये R1 हो गया आपका और ये R2 हो गया, R1 दिया हुआ आपका 20, यहां से यहां तक दिया हुआ है 20, एंड R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर,
यूनिट। तो ये हम लोग को फाइंड करना है इसका। सबसे पहले सर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर में कितना दूध आ सकता है, कैपेसिटी फाइंड करना है ना। तो दिया क्या है, गिवन क्या है हम लोग पास में, गिवन है एल, ये एच इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, आर वन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे है ना सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये गिवन है हमारे पास में। तब हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ फाइंड द कैपेसिटी ऑफ, नाउ कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, नाउ नाउ कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ थ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ थ्रस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/3 pi एच इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये वॉल्यूम का यानी ये इसका कैपेसिटी कहे या तो वॉल्यूम कहे उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको पहले बताया था आपको, ये फॉर्मूला है और इसमें आप इसको जो भी दिया हुआ है उसको आप इसको पुट कर दीजिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, 1/3 यहाँ पे क्या है पाई का वैल्यू सर यूज करने बोलता है ना, पाई का वैल्यू यहाँ यूज करना है, यहाँ पे पाई का वैल्यू यूज करना है, पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाई की जगह पे क्या लेंगे, 3.14 इंटू एच का वैल्यू 16 और आर वन, आर वन का वैल्यू 20 स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 20 × 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 × 3, 14 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो कितना हो सकता है 4 हो जाएगा 24 और यहाँ 2 डिजिट के बाद है ना 50.24 आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मिल जाएगा 50.24। ठीक है यानी ये आएगा हम लोग को 1/3 × अब यहाँ पे इंटू इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर इसका 64 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, यानी मीन्स ये आ जाएगा 50.24/3 इंटू इसको ले आएंगे तो 624 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, 2 = 6 एंड 3, 8 = 24 यानी 208 आ गया। और इसको जो है 50.24 × 208 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 × 4 = 22 है ना, 8 × 4 = 22 एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 22 हो गया और 2 यानी मीन्स ये हो जाएगा आपका 10.4 9.92 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क है ना, ये कॉस्ट ऑफ मिल्क यानी मिल्क का रेट हमको फाइंड करना है वो सभी को जो कि इस कंटेनर में आ सके, जितना भी दूध आ सके है ना, दूध पीते होंगे है ना घर में, घर में दूध पीते होंगे, बहुत भी दूध पीते है ना। चलिए तो ये क्या है, यहाँ पे कितना दूध आ सके कंटेनर में वो हम लोग को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो वॉल्यूम हो गया, अब इसको लीटर में चेंज करना होगा हम लोगों को, लीटर में लाने हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग लीटर में चेंज करते हैं। तो लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा 10.449.92/1000, ये आपका लीटर में आ जाएगा।
लीटर्स। ठीक है उसे ये लीटर्स में हो गया। अब हम लोग को 20 रुपए यानी 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से इसका कोस्ट टोटल कोस्ट निकालना होगा। हैंस कोस्ट कोस्ट ऑफ मिल्क है ना, हैंस कोस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट आर एस ट्वेंटी पर लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई करके 20 इक्वल टू आर एस 20 इंटू 100 हो जाएगा, ये आपका आर एस में हो गया। इसको जब हम लोग निकालेंगे इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा आपका यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा ये हम लोग का, तो ये आएगा 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 हो गया, 9 2 जा 8 हो गया। ठीक है 9 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 9 2 जा 18 की 8 हाथ में 1 9 2 जा 18 19 16 8 9 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा। ठीक है 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और कितना पॉइंट है, पहले 2 डिजिट के बाद है और ये 2 डिजिट है 1 2 1 2 3 4 मींस यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 मींस यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आपका आ गया। ठीक है ये आर एस में निकल गया, ये आपका रुपीज हो गया, इतना मींस ये हो गया आपका आर एस 208.99 अप्रोक्स हो गया, अप्रोक्स। ठीक है लगभग में आ गया हम लोग का, तो ये हो गया आपका, इसको सीधा सीधी मान लेते हैं आर एस 200 है ना 209। ठीक है इसको यही आंसर मान लिया जाता है। ठीक है जी तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ, इसका क्या कैपेसिटी निकला, कैपेसिटी निकाल करके उसका कोस्ट को निकाल दिया गया है ना। अभी और अभी बाकी है इतना ही सॉल्यूशन नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो चलिए तो ये क्या है, तो हम लोग इसको अब क्या करते हैं, कहता है कि ये इसका मेटल, इसको बनाने में कितना मेटल का यूज किया गया और मेटल का कितना कोस्ट लगा है ना। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ स्लेंट हाइट, नाउ अगेन हम लोग निकालेंगे स्लेंट हाइट एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर मीन्स हो गया आपका एच का वैल्यू क्या हमारे पास में 16 का स्क्वायर हो गया प्लस 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया है ना। तो चलिए ये हो गया आपका स्लेंट हाइट निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां से इसको क्या करते हैं, ये फिगर को रिमूव करते हैं इसको यहाँ से है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं बच रहा है हम लोग को, तो प्लेस बचेगा ज्यादा होगा इसको। तो ये देखिए ये क्या बचाएगा हम लोग का, यहाँ से इसको फिर हम लेते हैं ये, तो क्या आता है L इक्वल टू हम लोग आता है 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 400 मींस L इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का 20 सेंटीमीटर। L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट हम लोग को मिल गई। अब इसका निकाल लेंगे क्या
सरफेस एरिया ऑफ मेटल, है ना, सरफेस एरिया ऑफ मेटल, उसमें मेटल ही कितना लिया था, तो क्या हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे 9, 9 एरिया ऑफ मेटल सी, एरिया ऑफ मेटल, एरिया ऑफ मेटल क्या है, मेटल का बोल ना, एरिया ऑफ मेटल यूज्ड, एरिया ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक द कंटेनर, यूज्ड टू मेक द कंटेनर, ठीक है जी, यूज्ड टू मेक द कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व, कर्व सरफेस, सरफेस एरिया प्लस, कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस ये एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ यहां लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ बॉटम, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहां से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग कंटेनर था ना, इस प्रकार से ये कंटेनर था आपका यहाँ पे, तो ये जो है कंटेनर में ये आप देख रहे हैं कि ये हम लोग को आर टू था और ये हम लोग का आर वन था, ओपन बड़ा तरफ से, और ये हम लोग का एच था, इसका सिलेंट हाइट हम लोग निकाल लिए 20 L बराबर, है ना। देखिए क्या कहता है कि ये एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, है ना, कर्व सरफेस फ्रस्टम एंड एरिया ऑफ बॉटम मींस ये नीचे वाला, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका तुम यहाँ पे पाई एल इंटू एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर टू का स्क्वायर, एरिया ऑफ बॉटम ये नीचे वाला, है ना, तो ये अब हम लोग आ जाएगा, और ये पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.14 इंटू एल का वैल्यू 20 और ये हो गया 20 प्लस 8 प्लस, है ना, प्लस क्या मिल जाएगा हम लोग को 3.14 इंटू आर टू का स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है, मीन्स 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया हम लोग का यहाँ से, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ देखिए कि इसका जो है यहाँ पे 13.14 इंटू 20 और ये हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है 13.14 इंटू 20 इंटू 28 ये जो है एड हो 28 हो जाएगा हम लोग का प्लस 3.14 इंटू 64 ये हो जाएगा, अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना कितना आ जाएगा ये, है ना, तो देखिए ये कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई किया जाए पूरा का पूरा तो ये आ जाएगा आपका 1758.4 प्लस ये आपका मिल जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड किया जाए तो ऐड करेंगे कितना मिलेगा हम लोग को, इसको ऐड करने पर ये 996 को ऐड किया जाए तो इसको मिल जाना चाहिए 9 और 6 को ऐड करें 10 हो जाएगा, सॉरी 4 एंड 6 को ऐड करें कितना जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आना चाहिए आपका ये 9, है ना, ये 9.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखिएगा यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे ना तो ये मिल जाएगा
पॉइंट 36 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, सर्फ एरिया ऑफ मेटल, है ना, मेटल का एरिया निकल गया, कितना यूज हो रहा है मेटल का वो निकल गया। अब मेटल का क्या कहता है, कोस्ट निकालना है, कितना आरएस 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका कोस्ट निकालना है। निकलेंगे हम लोग यहाँ पे कोस्ट ऑफ मेटल, ठीक है, कोस्ट ऑफ मेटल, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोस्ट ऑफ मेटल एट द रेट आर एस 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहां से इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा आर एस एट बाय 100 इंटू, आप यहां इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 59.36, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसको जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर सीधा सही मिल जाएगा। 8 6 48 होता है, आप लिखते जाइए मल्टीप्लाई करते जाइए, और कितना है 8 डिजिट के बाद है ना, इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और ये बढ़ जाएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से कितना आएगा इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156.75 आंसर हो जाएगा ये आपका आरएस, ये आरएस में आएगा, है ना, ये बीच में रहेगा आरएस 156.75 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होता है ना, देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, है ना, ये आपका आंसर मिल जाएगा इस तरह से। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में था, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा था और ये लॉन्ग था क्योंकि दो चीज को एक ही साथ में ऐड कर दिया गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग है तो नंबर भी आता है इसमें, है ना स्टूडेंट। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए, है ना, ये हो गया आपका, तो ये फर्स्ट टर्म का था क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी 5 का, वो भी थोड़ा कमजोर नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास इतना रखते हैं, है ना, थैंक यू। लेकिन वो आप जरूर बताइएगा पहली का आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा आप लोग, ठीक है, थैंक यू।